विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश। रानी मीराबाई सा, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। आज समझ में आया कि उनकी भक्ति में लिखे भजनों का जिक्र चारों ओर क्यों है। भाई साहब, शत्रु भेष बदलकर हमारी चौखट तक आ पहुंचा, इतनी बड़ी घटना घट गई और आपने कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं हमारा शत्रु चित्तौड़ की रानी से मिलने आया था, पर ये अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे, कभी नहीं। पर हम ये भी जानते हैं कि नवाब सिर्फ भजन सुनने आया था, लेकिन प्रजा नहीं जानती। अगर प्रजा को पता चलेगा तो बहुत जगह सही होगी। क्षमा करें राणा जी, पर यहां कुछ सेवक सेविकाओं की जुबान तो पहले से ही चल रही। कहना क्या चाहती हो बिंदिया? वो कह रहे थे उन्होंने रानी सा को रात में मंदिर में किसी से बात करते हुए भी सुना है। मैं एक सेविका हूं, पर क्या कहूं, किसी को आते जाते तो मैंने नहीं देखा मंदिर में, पर रानी सा को किसी से बात करते हुए तो मैंने भी सुना है। ठीक है, आज हम स्वयं पता लगाएंगे। अगर ये बात सच नहीं निकली तो राज परिवार के अपमान का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। परंतु भाई साहब, यदि ये बात सच निकली तो आपके हाथों से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ये क्या किया बिंदिया तुमने, ये क्या कह दिया भाई साहब से? भाई साहब, मैंने तो वही कहा जो सच है। आपको विश्वास नहीं तो आप राणा जी के साथ खुद ही चलकर देख लीजिए। क्षमा करें राणा जी, पर यहाँ कुछ सेवक सेविकाओं की जुबान तो पहले से ही चल रही है। रानी साहब को किसी से बात करते हुए तो मैंने भी सुना है। भाई साहब, जो भी कीजिएगा धैर्य से सोच कर कीजिएगा। भाई साहब, यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही है। रानी सा के लिए अनुचित कहने का दंड मिलेगा तुम्हें। दंड नहीं दे सकती ना आपको, इसीलिए इतना इंतजार करवाते हैं मुझसे, है ना? चलिए ये सब रहने दीजिए, बस इतना बता दीजिए मुझे इस महल से अपने महल ले जाने कब आ रहे हैं आप? कौन है ये, किससे बातें कर रही हैं ये? अगली बार अपने साथ ले जाने के लिए ही आइएगा, कहिए ना, ले चलेंगे ना अपने साथ यहां से बहुत दूर।
कौन था यहाँ? किससे बातें कर रही थी आप? जवाब दीजिए, कौन था यहाँ? एक बार फिर आपसे पूछता हूँ, इस तरह रात में छिपकर आपसे मिलने कौन आया था? और कौन आएगा राणा जी साहब? मेरे गिरधर गोपाल आए। रानी सा हैं आप हमारी, इसलिए सच बोलने का एक मौका और देता हूं। बताइए कौन आया था यहाँ, किससे बातें कर रही थी? कहा तो मैंने, अपने गिरधर गोपाल से। क्या रट लगा रखी आपने? गिरधर आए थे, वो भला आपसे मिलने क्यों आएंगे? वो आएंगे क्योंकि वही तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति, मेरे प्राण नाथ, मेरे क्या करने जा रहे हैं आप? जो भी हो, परंतु वो निशस्त्र है और एक निशस्त्र नारी पर तलवार उठाना आपको शोभा नहीं देता भाई साहब। ये भी तो हमारी मर्यादा के विपरीत है। यदि गिरधर गोपाल से मिलना अपराध है, तो राजा होने के नाते देवर जी सा मुझे जो दंड देना चाहे मुझे मंजूर है। उनकी तलवार से मरना भी। उनकी तलवार से मेरी तलवार मर्यादाओं के लिए लड़ती है, उनके खिलाफ नहीं। पर एक बात और भाभी सा, जब मर्यादाओं के जल का पांट टूट कर बहने लगता है तब जल प्रलय मचाता है और तब अंत निकट होता है। भाई साहब यहां से इतने क्रोध से निकले हैं, कहीं कुछ अनुचित ना कर बैठे, इसके पहले कि वो कुछ गलत कर बैठे, उन्हें रोकना होगा। और कोई रास्ता नहीं बचा। कहाँ है वो? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। राजवैद्य जी, आपसे जो मंगवाया था आप ले आए ना? राजवैद्य वाला महाराज का आदेश कैसे टाल सकता है? ये तो मैं ले आया हूं, पर इस जहर का असर ऐसा है इसकी कोई दवा नहीं, कोई सूंघ भी ले तो बेहोश हो जाए, और जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज इसका इस्तेमाल मत कीजिए। सलाह मत दीजिए, जितना कहा है उतना कीजिए। दयाराम, कल सुबह भाभी साहब को प्रसाद के रूप में ये देना। इस जहर का असर ऐसा है जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है।
दयाराम जी, आप यहाँ? रानी जी साहब, मैं आपके लिए प्रभु जगन्नाथ जी का चरणामृत लाया हूँ। प्रभु भक्त होने के नाते मैंने सोचा कि मैं ये आपको दे दूं। धन्यवाद दयाराम जी, बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। प्रभु का चरणामृत मिलने से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं। दयाराम, इतना खोए हुए क्यों हो? मैंने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। राणा जी सा के कहने पर मैं रानी सा को विष देकर आया हूँ। मेरा भाई साहब को विष? भाभी साहब, प्रभु आपके चरणामृत के लिए अनेकों धन्यवाद। चरणामृत समझ मीराबाई ने वो विष पी लिया, और ऐसा विष जिसे पीने के बाद कोई पानी भी ना मांगे। संभालिए खुद को। ये क्या हो गया रानी साहब, क्या आपने क्या कर दिया? राज वैद्य को बुलाओ जल्दी, इस विष की औषधि वही दे सकते हैं। जल्दी जाओ बिंदिया। मैं वैद्य को बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने विष नहीं, नहीं। मैंने तो मेरे प्रभु का चरणामृत पिया है, मेरे गिरधर गोपाल का प्रसाद।
अब हमारी ये चिंता तो दूर हुई। भाभी सा के कारण अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थात स्वामी? अब मीरा भाभी सा के कारण ना कुल की मर्यादा पर आंच आएगी और ना ही कोई हमारे परिवार पर उंगली उठाएगा। आपने किया क्या है स्वामी? कहीं कुछ अनुचित तो नहीं हुआ जिससे? कभी कभी राजा को उचित अनुचित की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाना पड़ता है। किंतु एक बात मेरी समझ के बाहर है उदा भाई साहब, कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो राणा जी साहब को ऐसा कदम उठाना पड़ा? भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है मीरा भाई साहब। मेरे ही समान भाई साहब भी आपकी भक्ति और प्रभु प्रेम को देख ही नहीं पाए। उन्हें तो केवल आपकी भक्ति के कारण हमारे कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन ही होता दिखाई दिया। कैसी मर्यादाएं? पति की मृत्यु के बाद भी ऐसा व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पहले की तरह ही साधु संतों के साथ नाचना गाना। देख रहे हैं मेरे गिरधर गोपाल, सबको मेरा भजन गाना, आपके प्रेम में नाचना दिख रहा है, किंतु मेरी पावन भक्ति नहीं, जिसने विष को अमृत बना दिया उसके प्रेम में भला मीरा कैसे ना नाचे? आज तो मैं अपने पांवों को उठने से ना रोक सकूंगी और ना ही इनकी प्रेम और भक्ति में अपने आप को नाचने से रोकूंगी और ना ही इनकी प्रेम और भक्ति में अपने आप को नाचने से रोकूंगी। अब कोई मेरे राज्य में नियम तोड़ने का साहस नहीं करेगा। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे, लोग कहे मेरा भाई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नाग सहज मिले अविनाशी रे। असंभव, मीरा भाभी सा जीवित कैसे हो सकती है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। भक्त का कर्तव्य है समर्पण और प्रभु का संरक्षण। जब मीरा भाभी साहब को कुछ नहीं हुआ, ये तो आपका माल भी बाका नहीं कर सकते। लीजिए, इससे तुम्हारी दगा का सबूत तो मिले। एक भूल के बाद एक निर्दोष राजभक्त के प्राण ले लिए आपने। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते। मीरा भाई साहब बदल सकती है,